बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का ऐलान, कई विपक्षी नेताओं ने किया स्वागत तो कुछ ने कसा सरकार पर तंज। भारत रत्न की घोषणा से गदगद हुआ आडवाणी का परिवार, बेटे जयंत आडवाणी ने कहा इसके लिए पीएम मोदी को देना चाहता हूं धन्यवाद। आडवाणी को भारत रत्न पर मौलाना तौकीर रजा की धमकी, आईएमसी के प्रमुख ने कहा हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हुए तो हिंदुस्तान में होगा जंग का माहौल। लेह में सड़कों पर उतरे भारी संख्या में लोग, लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जाति गणना को लेकर फिर भड़के राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने कहा बीजेपी गिनना शुरू कर दे अपने दिन। खाप कल्चर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा खाप हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का प्रतीक है। दिल्ली पुलिस ने सौंपा सीएम केजरीवाल को नोटिस, कहा 3 दिन में बताएं बीजेपी से संपर्क वाले 7 विधायकों के नाम। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा किसी भी घटक दल से बात करने को तैयार नहीं है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव पर मोहन यादव का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार बीजेपी दर्ज करेगी बहुत बड़ी जीत। और पहाड़ों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में जमकर बरसे बादल, पूरे उत्तर भारत में बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।